हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक। सो ये मैं ईद के ओकेजन के लिए क्रिएट की हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये मेकअप लुक और जाना है कैसे मैंने इसको क्रिएट किया तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो मैंने फर्स्ट और एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये ईद का सेकंड लुक है। अगर अच्छा लग रहा है ये मेकअप लुक और जानना है कैसे मैंने इसको क्रिएट किया तो एंड तक देखिए ये वीडियो। वीडियो पसंद आए तो कीजिए इसको लाइक, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कीजिए मेरे चैनल को। बहुत टाइम दीजिए ब्लेंडिंग में। तो मैं यहाँ पे स्पंज के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट। इसके हेल्प से मैं पूरे फेस को, नॉट पूरे फेस को, ओनली जहाँ पे कंसीलर अप्लाई की हूँ वहां पे अप्लाई कर लूंगी ताकि कोई भी क्रीजिंग ना हो। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइट ब्राउ किट। ये बहुत अच्छा है, एक ब्राउ किट है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक मैं एवरी डे यूज करती हूँ, तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, यू शुड ट्राई दिस वन गाइस। इसके बाद मैं अपने फेस को कंटूर करने के लिए यूज कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का कंटूर पैलेट। अच्छे से मैं अपने हॉलोज ऑफ चिक्स पे कंटूर कर लूंगी ताकि बहुत स्ट्रक्चर्ड फेस लगे। फोरहेड को भी थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी एंड नोज को भी एंड साइड ऑफ माय चिन ताकि यू नो बहुत स्लिम सा लगे मेरा फेस। और मैं पहले ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी अपनी नोज को एंड देन फिंगर के हेल्प से। सो फिंगर के हेल्प से बहुत इजी हो जाता है, बहुत यू नो प्रिसाइजली आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आई मेकअप के लिए यूज करूंगी Lakme Absolute Illuminating Eyeshadow Palette। इसमें मेरा शेड है न्यूट पी। इसके हेल्प से मैं अपने आई मेकअप शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं पीच कलर को अपने क्रीज पे अप्लाई करके ब्लेंड कर ले रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड देन थोड़ा सा मॉव कलर है उसको मैं अप्लाई करूंगी पूरे आईलिड्स पे एक फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से। एंड देन मैं एक लेवेंडर कलर को अपने आउटर वी के तरफ अप्लाई शैडो इफेक्ट देने के लिए। इसके बाद मैं सेम ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड देन दो कलर को मिक्स करके मैं अपने लोअर आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूं, आई मीन लोअर आईलैशेस के क्लोज क्लोज। इसके बाद मैं गोल्डन शेड को अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूं टू हाईलाइट माय इनर कॉर्नर। बहुत अच्छा लग रहा है ये। इसके बाद मैं एक कर्लर के हेल्प से अपने आईलैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर लूंगी ताकि मैं मस्कारा एंड फॉल्स आईलैशेस लगाऊं वो यू नो अच्छा लगे।
नेक्स्ट मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ, एशंस का मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, यू शुड ट्राई दिस वन। ये एवरीडे के लिए बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टे कॉर्की का लिक्विड आईलाइनर इन द शेड ब्लू। सो ये ब्लू शेड है, मुझे बहुत पसंद है ये आईलाइनर, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। यू नो वाटरप्रूफ नहीं है बट बहुत देर तक चल जाता है। सो एज यू कैन सी मैंने स्मॉल विंग काइंड ऑफ आईलाइनर ड्रॉ किया है। इसके बाद मेबलिन वी शेप कंटूर एंड ब्लश पैलेट से मैं ब्लश लेके अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ टू गिव ए कलर इन माय चिक्स। और उसके बाद मैं फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन प्रो हाईलाइटर। ये एकदम अच्छा हाईलाइटर नहीं है गाइज, बहुत पाउडरी है, एकदम भी हाईलाइट नहीं करता है फेस को। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हो एज इफ मैं पाउडर लगा रही हूँ वाइट कलर का। तो उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ टू हाईलाइट माई फेस बट हुआ नहीं। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट मेगाला लिपस्टिक इन द शेड कोरल इन। ये बहुत अच्छा कलर है बट मैं इसको टोन डाउन करूँगी अपने स्पंज के हेल्प से एंड देन इसको ऊपर थोड़ा सा पाउडर भी लगा लूँगी तो इसको मैट करने के लिए। सो गाइज दिस इज द फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।